गोरखपुर महोत्सव की तैयारी बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि स्थानीय कलाकारों के प्रोत्साहन हेतु 2 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आयोजन 12 एवं 13 जनवरी को किया जाएगा। मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि महोत्सव की तैयारियों को पूरा कर ले। उन्होंने कहा कि COVID-19 संक्रमण के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर महोत्सव स्थानीय कलाकारों के लिए एक बड़ा मंच है। उन्होंने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को निर्देश दिए कि पारंपरिक क्रीड़ा का आयोजन कराए और कृषि सरस पुस्तक मेला आदि आयोजित किया जाए। मंडलायुक्त ने साफ सफाई, सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि एजेंडावार तैयारियां सुनिश्चित कराई जाएं और यदि व्यवस्था में कोई कठिनाई आ रही है तो अविलंब संज्ञान में लाया जाए ताकि उसका त्वरित निराकरण कराया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, अपर जिलाधिकारी नगर आर के श्रीवास्तव, एसपी सिटी सोनम कुमार, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्र सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सूचित भी करेंगे और जो भी पत्रावली है सब पिछली बार की निकालिए, टेस्ट करिए, चेक करिए और एक बार में सारे सेंटर। वेन्यू की बात है ना, वेन्यू कहाँ हो ये मैं डीएम साहब के सामने डिस्कस करना चाहता था, लेकिन उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीआरएनएन का और संस्कृति का। इसमें आपकी एंटी साहब शायद संक्रमित हो गए हैं, वाला कल्चर फंक्शन है, इसका मंच करा सकते हैं क्या? हम 4 सप्लायर को बांट नहीं सकते वतन सर, वही कोशिश कर रहा था। हाँ, निर्देश है तो हमें कोशिश करनी चाहिए, गुड फेथ में हम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी वहाँ पर जा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम उसको वन फ्लो कराएं, तो आप कार्यदायी संस्था का नाम होगा, आपको अच्छा लगेगा कि आपने कराया। और वो मुझे मालूम है आपकी कठिनाइयां हैं, लेकिन पिछली बार भी आपने मेहनत करके 500 बेड वाला खड़ा किया था और मुझे आशा है कि आप कर पाएंगे, लेकिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और आपको डेली वहां बैठना पड़ेगा। जी सर, पीएम तो हमें छोड़ दीजिए, पीएम बनके रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, बैठना पड़ेगा। यहाँ अंचन आ रही तुरंत हमारे पास या डीएम साहब के पास आना पड़ेगा। अपने ड्रम सके संस्कृति को, अपने डीजी संस्कृति को इन्वाइट कर लीजिए मेरी तरफ से, उनको भी बुला लीजिए, ठीक है? दिग्विजयनाथ पार्क और चंपा देवी पार्क को भी पूरा यूज कर दीजिए। जीजी से कोई आए हैं क्या? डीसी साहब सर, उसका मूर्ति का सर संशोधन करना है सर, वो वो भी एक, उसको भी इनॉग्रेट होगा उसी प्रोग्राम में, वो सारे जो रामगढ़ ताल पर आपके इनॉग्रेशन वाले हैं वो सब उसी साथ में हो जाएंगे सारे। तो 12 तारीख को वही होगा उद्घाटन समारोह, दो तीन दिन बाद उसका निरीक्षण कराया जाएगा, तब इन्हें देखना पड़ेगा। पूरा हम करा दीजिए, जूती करा दीजिए, मूर्ति भी करा दीजिए, गेट भी करा दीजिए, जो भी पड़ेगी उतनी पड़ेगी। एक बार मेन्यू डिसाइड हो जाए फिर आपका रोड भी बता दो। आपका चैलेंज ये हो जाता है क्योंकि आपकी खिचड़ी में बहुत भीड़ आती है, यहाँ पर इतना भीड़ तो नहीं आएगी। थोड़ा आगे पीछे 12 लेकिन आपको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं क्योंकि आपकी तैयारी इधर ज्यादा फोकस रहता है। हाँ बताइए आगे बढ़े।